नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां SC ST एक्ट का विरोध कर रहे संत देवकीनंदन ठाकुर का जबरदस्त स्वागत हुआ। धौलपुर आई मथुरा से मध्य प्रदेश की शक्तिपीठ दर्शन के लिए जा रहे संत देवकीनंदन ठाकुर जी का समता आंदोलन समिति और अन्य भक्तों द्वारा वाटर वर्क्स पर जोरदार स्वागत किया गया। अल्प विराम के लिए धौलपुर ठहरे संत सिटी जुबली हॉल स्थित हनुमान मंदिर पर भगवान के दर्शन किए और साधु संतों सहित सैकड़ों भक्तों से मुलाकात की। भक्तों द्वारा विश्व शांति दूत कहलाने वाले संत का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। भक्तों में राष्ट्रीय संत के साथ सेल्फी लेने की भी जबरदस्त होड़ देखी गई। अपने इस दौरे को लेकर देवकीनंदन ने कहा कि वह उनका धार्मिक दौरा है, मध्य प्रदेश में वह केवल शक्तिपीठ दर्शन के लिए जा रहे हैं। SC ST एक्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे जाने पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि वे इस एक्ट का विरोध हमेशा करते रहेंगे और इस एक्ट के आगे भी रणनीति बनाई जाएगी। लगभग 20 मिनट तक हनुमान मंदिर पर ठहरने के बाद देवकीनंदन ठाकुर मध्य प्रदेश के दतिया के लिए रवाना हो गए। धौलपुर से प्राइम न्यूज 24 के लिए बेबी बख्शी की खास रिपोर्ट। जो कर रहे हैं उसके लिए भी अभी क्या आगे की प्रवृत्ति रही अभी? देखिए, ये मेरी धार्मिक यात्रा है, मैं दतिया जा रहा हूँ, धार्मिक यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन जो SC ST एक्ट के विरुद्ध हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है वो हम लोग आगे भी जारी रखेंगे और आगे करते रहेंगे। क्या गलती बनेगी आगे इसके लिए?